नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कैसे हम कपड़े के केवल एक पीस से बने हुए बड़े से ट्रैवल बैग में साइड में पॉकेट लगा सकते हैं। तो ये जो बैग है ना, केवल एक पीस कपड़े से बना हुआ है और बिल्कुल भी कपड़ा इसमें वेस्ट नहीं हुआ है। जो कपड़े की कटिंग साइड से निकाली है, उसी से हमने साइड में पॉकेट बनाया है। बैग के अंदर भी देखिए बहुत जगह है, आप इसमें बहुत सारा कपड़ा इकट्ठे रख सकते हैं। इस बैग में टोटल चार पॉकेट हैं। एक पॉकेट देखिए बैग में ये अंदर की तरफ है, इसके अलावा देखिए ये साइड में पॉकेट है, दोनों साइड में पॉकेट, और एक बड़ा सा पॉकेट बैग में सामने की तरफ है जिसमें कि आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है, आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। इस बैग को बनाने में टोटल 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़े में ये बैग आराम से बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही आसान है। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना, देखते हैं कैसे बनता है ये बड़ा सा ट्रैवल बैग। सबसे पहले हमें इस तरह का एक पीस लेना है कपड़े का, केवल कपड़े के एक पीस से ही हम ये पूरा बैग बनाएंगे। तो इस कपड़े की जो लंबाई है ना, वो है 40 इंच, यानी कि 40 इंच। 40 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 30, यानी कि 30 इंच। तो 40 बाई 30 का इस तरह का एक पीस हमें लेना है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और साइड से देखिए दोनों साइड से हम 4-4 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी कि 4 बाई 4 का इस तरह का ये बॉक्स हमें चारों साइड बना लेना है। तो ये दोनों साइड से 4-4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको हमें कट करना है। अब बाकी के जो 3 साइड है ना, इसी को रख के इसी के बराबर हम कट कर लेंगे। चाहे तो आप चौक से निशान लगा के उसके बाद कट करें। तो ये चारों कोने को हम कट करेंगे इस तरह से। तो ये जो साइड से कपड़ा हमने कट किया है ना, इसी से हम इसमें साइड वाला जो पॉकेट है उसको बनाएंगे। तो इस कपड़े को फेंकना नहीं है, इसी से हम 2 पॉकेट तैयार करेंगे। साइड से और ऊपर से जो भी कपड़ा छोटा बड़ा हो, सबको काट के इस तरह से बराबर कर लें। अब देखिए खोलने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से आता है। अब सबसे पहले हमें इसको क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें लेना है अस्तर। अस्तर के लिए मैंने बेडशीट का यूज़ किया है। उसके बाद ये फॉर्म, ये जो पतला वाला फॉर्म है, प्लास्टिक की तरह दिखता है, जो कि सामान वगैरह पैकिंग करने के काम में आता है। तो ये वही वाला फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ना, ये पतला और मजबूत होता है और सिलना भी बहुत आसान होता है। तो किसी भी मशीन पे ये आराम से सिल जाता है। तो अस्तर, अस्तर के ऊपर ये फॉर्म, उसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक हमने कट किया था उसको रखेंगे। अब इन तीनों को अच्छे से एकदम सीधा करते हुए, बराबर करते हुए चारों साइड से इसमें हम पिन लगा लेंगे। आप चाहे तो ना चारों साइड से इस पर कच्ची सिलाई कर सकते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े टाँके हैं सुई धागा से लगा के उसके बाद इसको मशीन से क्विल्टिंग करें। लेकिन मैं इसमें देखिए पिन लगा ले रही ताकि ये क्विल्टिंग करते समय आसानी रहे, इधर उधर ना हो। अब ये चारों साइड मैंने अच्छे से पिन लगा लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी अस्तर और फॉर्म है ना उसको हम कट करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। लगभग 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको हमें कट करना है। और ये जो कोने पे है ना, उसको हम क्विल्टिंग के बाद शेप देंगे। तो पहले देखिए नीचे से इस तरह से हम पूरा सिल लेंगे, उसके बाद ये साइड से हमें इस तरह से पूरा सिल के स्क्वायर शेप में क्विल्टिंग करनी है। तो क्विल्टिंग के लिए देखिए, जब भी हमें क्विल्टिंग करनी होती है ना, तो एक साइड से ही क्विल्टिंग करें, ये नहीं कि एक बार इधर से करें फिर बीच से करें। तो एक साइड से हमें क्विल्टिंग करना है। तो ये देखिए, ये क्विल्टिंग मैंने कर लिया है। अब क्विल्टिंग के बाद कोने पर जितना है सबको हम देखिए एकदम बराबर से कट कर लेंगे। अस्तर, फोम और ये मेन फैब्रिक तीनों को मिला के स्क्वायर शेप में मैंने इस तरह से पहले क्विल्टिंग किया। क्विल्टिंग के बाद जितने भी ये कोने हैं सबको बराबर कट कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो मैं ये रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बना के इसमें लगा सकते हैं। तो ये जो बेल्ट है, इसकी जो लंबाई है वो है 3 मीटर। तो 3 मीटर लंबा बेल्ट हमें लेना है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये सेंटर में निशान लगाने के बाद जो बैग है, ऊपर की तरफ जहाँ पर कटिंग है ना, वहाँ पर कटिंग से 2 इंच नीचे इस तरह से लाइन खींच लें या निशान लगा लें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी जहाँ पर कटिंग है वहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से लाइन खींच लें। अब बैग को बीच से फोल्ड करें और इसमें सेंटर में निशान लगा लें। तो ये सेंटर में निशान लगा लिया है बीच में मैंने। इसके बाद देखिए जहाँ पर ये कटिंग है ना ऊपर, वहाँ पर
इस तरह से टेप रखते हुए साइड से 4 इंच पे निशान लगा लें। तो ये देखिए, चारों साइड से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये दूसरी साइड से भी देखिए, ये कोने से 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट का किनारा है उसको देखिए सेंटर में इस तरह रखते हुए, और ये जो कोने पे 4 इंच पे हमने निशान लगाया है उसके बगल में इस तरह से रखते हुए बेल्ट को, और फिर जो बेल्ट में हमने सेंटर में निशान लगाया था और ये जो बैग में, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए, और फिर दूसरा किनारा जो है ना वो भी सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरह से बेल्ट एकदम बिल्कुल बराबर लगेगा। ऊपर ये देखिए जो 4 इंच पे निशान लगाए उसके बगल में इस तरह से बेल्ट को रखते हुए बराबर करते हुए किनारा को इस तरह से मोड़ते हुए फिर इसमें हम पिन लगा लेंगे अच्छे से, चारों साइड इसमें पिन लगा लेंगे ताकि इसको सिलने में आसानी रहे। तो अब ये देखिए पिन लग गया है अच्छी तरह से। अब इसको हम सिल लेते हैं मशीन से। तो ये जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे, और ये देखिए ये जो कोने पे कटिंग है उसे लगभग 2 इंच नीचे तक ही इसको हमें सिलना है जहाँ पर ये हमने निशान लगाया था। अब ये देखिए बीच में ना जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर एक बार इस तरह से मशीन को घुमाते हुए सिलना है। वापस इसको घुमाएंगे और फिर सिलाई पूरा करेंगे। तो अब ये देखिए ये बेल्ट लग गया है। इसके बाद हम इसमें बड़ा वाला जो पॉकेट है सामने की तरफ उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए देखिए जहाँ पर ये कटिंग है ना वहाँ पर इस तरह से आप निशान लगा लें ताकि बाद में इसको ज्वाइंट करते समय इधर उधर ना हो। तो अब यहाँ पर जहाँ पर कटिंग है वहीं से इसको हमें कट करना है। अब इसको कट करने के बाद इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो ये एक साइड ये जिप को मैंने लगा लिया है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है, और एकदम बराबर जहाँ से इसको हमने कट किया था वहीं पर इसको जोड़ना है। तो इसलिए मैंने इसमें निशान पहले से लगा लिया है। अब इसको पलट के हमें दोनों साइड पे प्रेस स्टिच करना है। अब जिप लग गया है, अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट बनाने के लिए हमें इस तरह का प्लेन कपड़ा लेना है। अब बैक को उल्टा करेंगे और ये जो कपड़ा है ना देखिए ये ऊपर की तरफ एक बार सिला हुआ है, नहीं तो ये इसको चारों साइड से हमें मोड़ के तब इसको बैक के ऊपर रख के इस तरह से सिलना है। तो ये जहाँ पर जिप है ना उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से, और फिर एक बार अंदर की तरफ मोड़ते हुए चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो ये जहाँ तक कटिंग है ना उसके थोड़ा ऊपर तक ही इसको सिलना है, लगभग 1.5 इंच ऊपर ही इसको सिलना है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच, और लंबाई देखिए नाप लीजिए जितना लंबा जिप लगा है उससे थोड़ा लंबा यानी कि 21 इंच ये कपड़ा लेके इसके ऊपर जहाँ पर ये जिप लगा है ना वहाँ पर रखते हुए इस तरह से फिर एक बार अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलना है। साइड से भी देखिए जहाँ पर ये कटिंग है ना उसके बगल में सिलना है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है इसको। इस तरह से इसको चारों साइड से मोड़ते हुए हम इसको सिलेंगे। तो अब ये सामने वाला पॉकेट तैयार हो गया है। अब बैग में जो अंदर वाला पॉकेट है उसको हमें तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए हमें प्लेन कपड़ा लेना है
इस तरह का। इस कपड़े की लंबाई है 14 इंच यानी कि 14 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच यानी कि 9 इंच। अब इसमें हमें जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा करके रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जिप लग गया है ना। अब बैग में देखिए दूसरी साइड में हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है, तो इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये जो बैग है ना, इसमें भी सेंटर में इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान लगा लें, तो इससे ये जो पॉकेट है ना ये एकदम बराबर रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। इसको देखिए तीन साइड से मोड़ते हुए तवा में सिलना है। पॉकेट लगाते समय ये भी ध्यान देना है कि जो बेल्ट है वो सिलाई में न दबे। तो ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी बन गया है। अब ऊपर की तरफ इसमें हम जिप लगाएंगे, तो जिप को बीच से अलग करेंगे इस तरह से, और एक भाग देखिए इस साइड कपड़े के ऊपर उल्टा रखते हुए हमें सिल लेना है। जिप को उल्टा इस तरह से रखेंगे नीचे की तरफ और फिर इसको सिल लेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर प्रेस स्टिच इस पर करेंगे। अब जिप का दूसरा जो हिस्सा है उसको कपड़े के दूसरे साइड में हमें इसी तरह से सिलना है। तो कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के इस तरह से पहले हम सिल लेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। रनर इसमें हम बाद में लगाएंगे, पहले ये साइड वाला सील के उसमें पॉकेट लगा के उसके बाद इसमें हम रनर को लगाएंगे। तो अब देखिए ये जिप लग गया है ना। अब ये जो साइड है ना इसको पहले हमें सील लेना है, तो इस तरह से बराबर रखते हुए फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे तक सील लेंगे। दूसरी साइड भी हमें यहाँ से यहाँ तक सील लेना है। अब ये सिलने के बाद ना ये दोनों साइड जो हमने सिलाई की है उस पर पाइपिंग कर लेना है। तो पाइपिंग करने के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा इस तरह का ये कपड़ा लेंगे हम, और जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर एक साइड रखते हुए पहले सिल लेना है। एक साइड सिलने के बाद इसको पलट के दूसरी साइड डबल फोल्ड करते हुए यानी कि 2 बार मोड़ते हुए इसको हमें सिलना है। तो अब देखिए इस तरह से इसको 2 बार मोड़ेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो दोनों साइड पाइपिंग ये मैंने कर लिया है इस तरह से। अब पॉकेट जो है छोटा वाला जो ये सब पीस है ना इसको हमें एक साथ मिला के 2 पॉकेट बनाना है। तो ये जो बड़ा वाला दोनों पीस है इसको एक साथ सिल लेंगे और ये जो छोटे छोटे 4 पीस है उनको एक साथ सिल लेंगे। अब ये देखिए दोनों पॉकेट को जोड़ने के बाद जो अस्तर है उसको भी जो साइड से हमने कट किया था उसी को जोड़ लिया है मैंने, और जो फोम है वो भी वही कटिंग ही है। तो अब सबको मिला के हमें क्विल्ट करना है। तो एक पीस में देखिए एक पॉकेट में मैं आपको क्विल्ट करके दिखा देती हूँ। अस्तर, फोम और ये जो मेन फैब्रिक है तीनों को मिला के हम पहले पूरा ये 4 साइड से सिल लेंगे। अब बीच में भी सिल लेना है इसको। तो कोशिश करें कि जहाँ जहाँ सिलाई है ना वहीं पर क्विल्टिंग करें इसको, तो इससे क्या है ना सिलाई वगैरह जोड़ बिल्कुल दिखेगा नहीं।
अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा अस्तर फोम है सबको काट के बराबर कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट क्विल्ट हो गया है, अब इसमें हमें जिप लगाना है। तो अब देखिए क्विल्टिंग के बाद इसकी एक बार मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो दोनों की जो लंबाई हो गई है वो है 8 इंच लंबाई 8 इंच चौड़ाई, यानी कि 8x8 का ये दोनों पीस बन के तैयार हो गए। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन चलेगा। अब देखिए जिप लगाने के लिए हमें क्या करना है, कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और फिर जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लें। जिप लगाने के बाद इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो 1 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, उसको पीछे की तरफ 1 इंच इस तरह से मोड़ते हुए और 3 साइड इसको हम सिलेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे इस तरह से और फिर डबल फोल्ड करते हुए इसको हमें सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो ये दोनों पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसे हमें बैग के साइड में लगाना है। तो बैग को देखिए उसके लिए हम पहले सीधा करेंगे बैग को। अब देखिए सीधा करने के बाद साइड में ये जहाँ पर ये हमने सिलाई किया था जॉइंट है ना वहाँ पर, और ये जो पॉकेट है इसका जो सेंटर दोनों को मिलाते हुए इसको हम चारों साइड से सिल लेंगे। ऊपर की तरफ लगभग देखिए 2-2 इंच छोड़ते हुए हमें सिलना है ताकि जो किनारा है उसको सिलते समय प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से देखिए चारों साइड से इसको हम सिल लेंगे बराबर रखते हुए साइड में। अब इसी तरह से दूसरे साइड का जो पॉकेट है उसको भी हम सिल लेंगे। ये देखिए ये दोनों साइड पॉकेट इस तरह से लग गया है नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए, और फिर देखिए जहाँ पर ये जोड़ है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब ऊपर की तरफ हम इसमें रनर लगा लेते हैं। तो 2 रनर इसमें मैं लगा रही हूँ, एक रनर इस तरह से लगाते हुए दूसरी साइड किनारे तक लाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा जो रनर है उसको हम इसमें लगाएंगे। तो बीच में गैप नहीं रहना चाहिए दोनों रनर के बीच में। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर ये रनर लग गया है। अब इस बैग को हम वापस से उल्टा कर लेते हैं। अब ये देखिए बैग को उल्टा करने के बाद अब ये जो चारों कोना है केवल इसी को सिलना बाकी रह गया है। तो देखिए ये जहाँ पर ये जिप है और ये सिलाई है ना, ये दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी नीचे की तरफ इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेना है दोनों साइड। ऊपर ये देखिए जीप और ये जो सिलाई है दोनों को मिलाते हुए बराबर चारों कोनों को हम इस तरह से सिल लेंगे। अब ये देखिए ये चारों कोना भी सिल गया है। अब यहाँ पर जो सिलाई है ना यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है। तो 1.5 इंच चौड़ा इस तरह से कपड़ा लेंगे और फिर देखिए इसको एक किनारे मोड़ते हुए हमें इसको सिल लेना है। इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसको हमें सिल लेना है। अब इसी तरह से बाकी का जो 3 साइड है ना उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो इसी तरह से तीनों साइड में पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। तो देखिए बिना 1 इंच कपड़ा वेस्ट किए हुए केवल 1 पीस कपड़े में ये बैग बन के तैयार हो गया है और 4 पॉकेट भी इसमें हैं। बहुत ही आसान सा बैग है। अब इस बैग को फटाफट सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बड़ा सा ट्रैवल बैग बन के तैयार हो गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये
ट्रैवल बैग। और ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।